मैंने मार्च 2019 में ग्राम पांडे डी के पांडे टोला में 6 माह से खराब पड़ा चापा नल पर एक वीडियो बनाया था। समस्या की बिगड़ा 6 महीना से जो चापा का खराब हो गया है, वो जनप्रतिनिधि मुखिया सब को कह चुके हैं, इनको इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे कितने लोग पानी पीते थे? इसे करीब 10 घर 10-12 घर के मतलब कि इसमें लोग यूज करते हैं पानी का। तो अभी कहाँ पानी पीते हैं? अभी बहुत दूर से लाना पड़ता है ढोकर के। वीडियो बनाने के बाद समुदाय में स्क्रीनिंग करते हुए जिले के संबंधित पदाधिकारी से मिलकर समस्या से अवगत करवाएं। इसके कुछ ही दिनों के बाद पीएचडी विभाग द्वारा चापानल बनवाया गया, जिससे गांव में पानी की समस्या दूर हो गई। छः महीने से चापाकल बिगड़ी हुई थी, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, और इस चापाकल से कम 10-15 घर के लोग जैसे इसका उपयोग कर रहे थे, और वीडियो बनाने वाले भाई को कहने पर वीडियो उन्होंने बनाया और भेजा, जिससे 1 महीने के बाद ये चापाकल बनी, जिससे अब हम लोग इससे खुश हैं और सारे लोग खुश हैं और इसका उपयोग जो है हम लोग सही रूप से कर रहे हैं, और वीडियो बनाने भाई को भी धन्यवाद देता हूँ। 4 महीना से चापाकल बिगड़ल था, बाकी बन गया। इस पर नहाते हैं, फिजते हैं, धोते हैं, फिरते हैं। वीडियो बनाने वाला भैया के धन्यवाद। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चतरा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप बनाया जाता है, और कन्हा चट्टी से ये सरोज जी हैं। इन्होंने ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ से कंप्लेन हम लोग को नहीं आ पाता है, दूरवर्ती इलाके में ना तो हमारे पास कंप्लेन करता है कोई, जहाँ ना ही पहुँच पाते हैं कोई, तो ऐसे क्षेत्र में भी सरोज जी हम लोग को सूचना देते हैं, और जिससे कि हम लोग वहाँ पर हैंडपंप का मरम्मती कर पाते हैं, तो ये सरोज जी का बहुत सराहनीय कार्य है। इसके लिए जिला के संबंधित पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं सरोज कुमार रवानी, झारखंड चतरा से, इंडिया अनहद के लिए।